दिल्ली में भी बुलाया बाबा। परमधाम खाली हो जाएगा फिर शिव की बारात के साथ बच्चे परमधाम जाएगा। पहले मुरली में तो बताया गया था परमधाम कभी खाली नहीं होता। खाली हो जाने का मतलब जैसे रहट होता है, बाल्टियां खाली होकर के नीचे कुएं में जाती है फिर भर करके ऊपर आती है, ऐसे ही 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सारी की सारी मनुष्य आत्माएं जब तक नीचे न उतरे तब तक पहले नंबर की आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए बोला कि परम धाम खाली हो जाएगा फिर पहले नंबर की आत्मा पहुंच जाएगी। और मैं 2 महीने 24 दिन जेल में रहा और उसमें से भिड़ा हो गया था, जिसका केस चल गया बाबा, 2 महीने में डिसीजन हो रहा था। ज्ञान की बात पूछो, ये पर्सनल बातें हैं बाद में कर लेना। हाँ जी, ईश्वरी सेवा भी करना है और धंधा धूरी भी करना है। हाँ, धंधा धूरी छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है कि रिश्वत नहीं लेना है। झूठ की दुनिया में झूठे धंधे करेंगे तो कुछ न कुछ झूठा काम करना पड़ेगा। काजल की कोठरी में कैसो शयन हो जाए, एक लीक काजल की जरूर लागी है पहला की है। हाँ, धंधा लौकिक भी होता है, धंधा अलौकिक भी होता है। लौकिक धंधा करने वालों का भी पेट भरता है और अलौकिक धंधा करने वालों का भी पेट भरता जरूर। अब जो चाहे सो करो, ये तो बता दिया है। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, और देखने में भी आता है। दुनिया के सब धंधे चौपट होते जा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई से जो धंधा करना चाहता है उसका धंधा झूठी दुनिया पनपने नहीं देती है। आखिरी इन कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं, झूठे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, झूठ का धंधा पनपता जा रहा है। तो क्यों ना हम सच्चाई का धंधा अपना लेवे, इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान तो एक पैसे का भी नहीं। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। क्या काहे में बांधा हुआ हूं? ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मुझे भी बंधन है क्योंकि बंधन की दुनिया में आता हूं। बंधन की दुनिया में बंधन में पड़े हुए बच्चों को निकालने आता हूं, तो बंधन वाले बच्चों के साथ रह करके मुझे भी अपना कार्य करना पड़ता है। बंधन तो जरूर रहेगा, बंधन में रह करके निर्बंधन बनना यही बड़ी बात है। और ध्यान सुनने में कोई परेशानी नहीं, याद करने में परेशानी नहीं। बच्चे 24 घंटे याद करो, 24 घंटे कोई ज्ञान तो सुन सकता है,
क्योंकि 63 जन्मों के सुनने के आदि है। सुनने में तो बहुत मजा आता है, धारण करना नंबर वार होता है, परंतु याद तो 24 घंटे नहीं हो सकती। याद में बायलोरा डालती है माया, तो याद कोई सहज नहीं है। याद में ही कठिनाई है। निरंतर याद हो जाए तो अहो भाग्य। हाँ, निरंतर याद हो तब ही सकती है। जब बाप को पूरा पूरा पहचाना हो, पूरी पहचान नहीं है, बाप से क्या प्राप्ति होती है ये जानकारी नहीं है, तो याद भी निरंतर नहीं होगी। याद कठिन ही होती जाती है। आत्माएं नंबरवार होती है तो भाई समूह में नंबरवार होता है क्या, एक एक सिंगल सिंगल नंबरवार? सब आत्माएं सामूहिक रूप से भी समूह नंबरवार है। जो भी धर्म है वो धर्म सब नंबरवार है। धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी नंबरवार है, धर्म पिताएं भी नंबरवार हैं, और परम धाम से जब आत्माएं आती हैं तो भी नंबरवार आती है। इकट्ठी तो कोई आ ही नहीं सकती, इसलिए गायन भी है भक्ति मार्ग में, अकेले आए हैं और अकेले जाना है। यहाँ पे जो जन्म होता है तो एक ही टाइम में कई बच्चों का जन्म होता है, तो भी अंतर होता है। मरते भी अगर जन्म भी होता है, मान लो 2 या 3 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, तो उनमें अंतर होता है या नहीं? एक साथ पैदा होते हैं, अंतर होता है। सारी समस्त सृष्टि का बल ले ले तो एक साथ कई आत्मा का जन्म होता है, फिर भी 1 सेकंड का अंतर होता है। और ये तो परम नाम से आने की बात है, जन्म लेने की तो बात नहीं है। जो भी आत्माएं परम नाम से आती हैं, नंबरवार ही आती है और नंबरवार ही उनको वापस जाना है। ये रुद्रमाला है, 500-700 करोड़ की माला है। माला में मणके एक के बाद दूसरे होते हैं। क्योंकि घर घर में वो युद्ध चलता है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें स्त्री पुरुष के बीच में युद्ध न चलता हो। स्त्री को ही घर कहा जाता है। वो युद्ध चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे रामायण का युद्ध हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, हर एक युद्ध में निमित्त कौन बनती है? नारी ही निमित्त बनती है, इसलिए गृह युद्ध कहा जाता है। बाबा यहाँ जो युद्ध दिखाया गया वो पुरुषों में दिखाया गया, स्त्रियों में दिखाया नहीं गया। रुद्रमाला के जो मणके हैं वो ज्ञानी तू आत्मा बाप के बच्चे हैं। बाप स्वयं महारुद्र है,
और रुद्र के बच्चे भी रुद्रगण है। रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, झूठ की दुनिया के सामने विकराल रूप धारण कर लेते हैं। नहीं तो ये झूठ की दुनिया खलास नहीं होने वाली। इसलिए रुद्रमाला के जो भी आत्माएं हैं वो सब जन जन्मांतर के पुरुष हैं, राजाएं हैं, क्योंकि उन्होंने राजयोग सीख करके राजाई प्राप्त की। भगवान बाप आते हैं तो निराधार बनाते हैं, स्वाधीन बनाते हैं, आधीन होना नहीं सिखाते हैं। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, महात्माएं हैं, सन्यासी हैं, धर्म पिताएं हैं, वो सब आधीन बनाने वाले हैं। कोई स्वाधीन नहीं बना सकता, बनाता ही नहीं। एक भगवान ही है जो आकर के स्वाधीन राजा बनाता है। राजा किसी के आधीन नहीं होता। और मुनि कहे कि हमने सही धर्म त्याग किया है, तो मुनि ये सुनने की भी दरकार है। हाँ, जब मैं नए पाइंट कैसे पता लगेगा है, मुनि ये सुनने बंद करने से तो नए नए पाइंट कैसे पता लगेगा। और देवानी खत्म हो गया, आत्मा बन गई, तो जाओ परम धाम। फिर मुरली सुनने की दरकार ही क्या रहेगी। परम धाम में वापस जाने के लिए तो ये सारी पढ़ाई है। कोई पढ़ाई पढ़ के, स्वेच्छा से पढ़ाई पढ़ के परम धाम जाने लायक बन जाते, कोई नहीं पढ़ते हैं तो कर्म भोग भोग करके आत्म की स्थिति को प्राप्त करते। कर्म भोग जाती है, पढ़ाई भी नहीं है, तो धर्मराज की सजाओं से देवान छांट दिया जाता है। देवान का जो भी छिलका है वो धर्मराज के दंडों से उतर जाएगा, फिर वापस परम धाम जाने लायक बन जाएंगे। तो अभी अगर कोई कहता है कि हमारा देवान खत्म हो गया, तो ये झूठी बात है या सच्ची बात है? है, ये तो झूठी बात हो गई। बाबा, ये बारह ज्योति, बारह टेम्परेरी है, बाकी और तो 11 शिवजी है। मतलब जो है भगवान के आधार से, मतलब भक्ति मार्ग में तो आपको गलत फहमी हो गई। कि शिव बाबा 12 शिवलिंगों में प्रवेश करता है, बाप के रूप में प्रवेश करेगा तो क्या ज्यादा में नहीं प्रवेश कर सकता? एक व्यापी है या अनेक व्यापी है? है? वो तो मुकर्रर का मतलब क्या हुआ? मुकर्रर माना सदाकाल। संगम युग में जब बाप बाप के रूप में एक बार प्रत्यक्ष हो गया, तो जब तक संगम युग है तब तक एक ही मूल रथ के द्वारा सारा कार्य संपन्न होता है। इसलिए 12 रुद्र नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगम नहीं है, एक ही ज्योतिर्लिंगम है, बाकी 11 रुद्र है।
11 रुद्रगण गाए हुए हैं। शिव तो सिर्फ एक में ही बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, बाकी बाप दादा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, अनेक बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाते। शिव कोई सर्वव्यापी नहीं है, दो चार व्यापी भी नहीं है। अगर दो चार व्यापी हो जाए, दो व्यापी भी हो जाए, तो दो मतें हो जाएंगी या एक श्रीमत रहेगी, तो दो मतें हो जाएंगी, द्वैतवादी दुनिया बन जाएगी। और द्वैतवादी दुनिया में तो ठकाठक जरूर होगी, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, मारामारी होगी। देवताएं होते हैं अद्वैत और दैत्य होते हैं द्वैत। दैत्यों का काम है लड़ाई झगड़ा करना, दिति से बनता है दैत्य। दिति अर्थात विघटन करने वाली, तोड़ फोड़ करने वाली। भगवान बाप तो हम बच्चों को अद्वैत बनाने के लिए आया। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक कुटुंब बन जावे, तो एक बाप होगा तब एक कुटुंब बनेगी, या दो चार बाप होंगे तो कुटुंब बनेगी, बाप भी एक ही होने चाहिए। तो बाप एक व्यापी होकर आता है, अनेक व्यापी होकर नहीं आता। रुद्र अवतार है ही नहीं, ऐसे तो हर आत्मा अवतार लेती है। मार्ग में तो मतलब तो ज्ञान मार्ग की बात करो ना, तो उस हिसाब से तो मतलब जैसे वहाँ आत्मा भटक रही 550 करोड़ की दुनिया में, हाँ, तो उसी हिसाब से जीव रूप आत्मा है तो यहाँ भटक रही है, भटक गई, भटकना चाहिए। अगर एक बाप को नहीं पहचाना है, निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं पकड़ा है, तो भटकेंगे नहीं और क्या स्थिर हो जाएंगे। आज निश्चय पैदा करते हैं, कल निश्चय उखाड़ देती है माया। तो एक बाप के बच्चे हैं या रावण के बच्चे हैं, क्या कहेंगे? रावण के बच्चे हैं। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि खलास। आत्मा खलास नहीं होती है, आत्मा का पद भ्रष्ट हो जाता है। जो पद लक्ष्मी नारायण का बनना चाहिए वो पद नहीं बनता है, पद भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए बोला है अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। ज्ञान में आते हैं, शुरुआत में सतोपदानी तेज होती है, तो निश्चय पत्र स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देते हैं। फिर संघ के रंग में आते आते तमो प्रधान बनते हैं, तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट में चले जाते। आदि वो भी अंत समय में जब चारों तरफ मौत ही मौत देखेंगे, चारों ओर एटम बम फटेंगे, तब वो भी भगवान को मानेंगी, कहेंगी ओ गॉड फादर। उनके मुंह से भी अनायास निकलेगा,
वो भी भगवान का सहारा लेंगे। जाति धाम में शांति होती है, धाम होती है वहाँ भी शांति होती है। हाँ हाँ जी, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शांति धाम में सिर्फ आत्माएं होती हैं और सुखधाम में, सुखधाम में सुख तो बिना शरीर के नहीं हो सकता, इसलिए सुखधाम में सुख भी चाहिए और सुख में से शांति अगर हटा दो तो सुख बेकार हो जाएगा, इसलिए शांति भी चाहिए। सरेंडर होना पड़ता है। 16108 जो है वो राज परिवार की माला है, राजाई प्राप्त करने वालों की माला है, राजाई घराने में आने वालों की माला है। जिन्होंने राजयोग सीखा है और राजयोग तभी सिद्ध होता है जब तन मन धन समय संपर्क सब अर्पण कर दिया जाए। तब आत्मा को राजघराने की प्राप्ति होती है। ये राजाई की शिक्षा सिवाय एक बाप के और दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकता। भगवान बाप ही आकर के राजाओं का राजा बनाते हैं। इसलिए गीता में लिखा है, हे अर्जुन मेरे प्रति समर्पित भाव धारण कर ले। मैं कोई देहधारी नहीं हूं जो तेरे को अहंकार आए, मैं तो देह से परे हूं, विदेही हूं। मुझे कुछ भी इस दुनिया से वापस नहीं ले जाना है। मेरी कोई इच्छा नहीं है। जो आत्माएं शरीर धारण करती हैं, उनको अपना रथ है तो स्वार्थी होती है। मेरे को तो कोई जन्म में अपना शरीर है ही नहीं, मैं तो आता ही हूं अंतिम एक जन्म में, और वो भी पराये शरीर में आता हूं। मुझे तो कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसे बाप के प्रति अर्पण में होने में क्या घाटा आ जाएगा? इसलिए मुरली में बोला है कि जो राजाई प्राप्त करते हैं वो यहां समर्पित होकर बैठते हैं। अब वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुरुषों को लिखित रूप में सरेंडर करके नहीं रखा जाता। हां वो अपन को समर्पित समझ सकते हैं कि तन मन धन साथ तेरा। गीता पाठशाला खोल के बैठ सकते हैं, पूरा हिसाब किताब दे, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं तेरा। बाप कोई किसी का ले लेते हैं क्या? कहते हैं तुम अपना अपने पास ही रखो, सिर्फ ईश्वरीय सेवा में लगाते जाओ।
विश्व कल्याण की सेवा में लगाना है, सारे विश्व का उद्धार करना है। विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो विश्व कल्याण में ही लगावेंगे। ऐसे थोड़े कि हम गुजरात के हैं तो हम गुजरात में ही अपना धन खर्च करेंगे, नहीं, हम विश्व पिता के बच्चे हैं तो सारे विश्व के लिए। ऐसे विश्व कल्याणकारी मेरे बच्चे राजघराने में आते हैं। उनको कहा जाता है अष्टदेव, वो देवताएं हैं। जो देवताएं होते हैं वो 84 जन्म लेने वाले होते हैं या कम जन्म लेने वाले होते हैं? हैं? 84 जन्म लेने वाले को ही देवता कहा जाता है, कम जन्म लेने वाले तो खंडित हो गए, खंडित को देवता नहीं कहा जाता है। तो जो देवता हैं वो सब सूर्यवंशी हुए या चंद्रवंशी भी हुए, सब सूर्यवंशी हैं। हीरो पाइटधारी के हीरो बच्चे हैं, हीरो पाइट बजाने वाले हैं। 500-700 करोड़ की दुनिया के बीच बीज रूप बाप पूर्वज का पाइट बजाने वाले, वो एक एक बीज में एक एक दुनिया समाई हुई है। वो अपने अपने दुनिया के हीरो हैं। हीरे को हीरो कहा जाता है और रतन, रतन तो 9 प्रकार के होते हैं, उनमें हीरा भी है, मोती भी है, माणिक भी है, पुखराज भी है, पन्ना भी है। एक से एक ऊंची वैल्यू वाले हैं, एक से एक कम वैल्यू वाले हैं। जैसे कि ब्राह्मणों की 9 पुरियां गिनी जाती है, ऐसे ही 9 रतन भी हैं। ब्राह्मणों की 9 पुरियां एक से एक ऊंची पुरी की है। तो 9 रतन अलग और अष्टदेव अलग। हाँ, अष्टदेव जो है वो सारी दुनिया के पूर्वज हैं। सबसे पहले पूर्व माने सबसे पहले, ज माने जन्म लेने वाले, संगम युग में उन्होंने अपनी प्राप्ति की है, संगम युग में ही उन्होंने स्वर्ग का स्थापन किया है। सारी दुनिया पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे जन्म लेती है। जो रतन है वो कम वैल्यू होने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट होती हैं। जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो हीरो पाटधारी नहीं हो सकते। हाँ जी एक ही आलू का बीज, वही आलू दक्षिण भारत में जब बोया जाता है तो गैस पैदा कर देता है, और वही आलू उत्तर भारत में पैदा किया जाता है
तो गैस है ही नहीं। वहां का आलू सारे भारत में भेजा जाता है, पसंद किया जाता है। तो बीज तो एक है लेकिन धरणी तो एक नहीं है, धरणी तो दो हो गई ना, धरणी को माता कहा जाता है। लोग तो धरती माता कहते हैं तो जड़ धरती को समझ लेते हैं, वंदे मातरम। अब जड़ को क्या वंदना की जाती है? जड़ को माथा झुकाया जाता है क्या? झुकाया जाता है नहीं, नहीं? माथा तो चैतन्य को झुकाया जाता है। तो जरूर कोई धरणी माताएं हैं नंबर वार जिनकी वंदना की जाती है। उनमें मुख्य हैं दो, एक है भारत माता और दूसरी है जगदम्बा। भारत माता की वंदना की जाती है, बोलते हैं भारत माता की जय। ऐसे नहीं सुना होगा जगदम्बा की, जय माता दी करेंगे लेकिन जय नहीं करेंगे। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा, सारे जगत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आ जाते हैं। वो सारे जगत की अम्बा है, जैसे दिल्ली, दिल्ली की गोद में हर धर्म ने राज्य किया है, दिल्ली की गोद में हर धर्म के बच्चे खेल खेलते हैं। तो वो है जगदम्बा और वो है भारत माता। लेकिन भारत माता शिव शक्ति अवतार गाया जाता है, जगदम्बा के लिए ऐसे नहीं कहते हैं शिव शक्ति अवतार, क्योंकि वो विदेशियों के प्रभाव में आ जाती है। प्रभाव में आने से उनकी प्रजा बनना पड़ता है, प्रजा अधीन होती है या स्वाधीन होती है, है? अधीन हो जाती है। आज सारे जगत की माताएं चाहे भारत में हो चाहे विदेश में, सब अधीन बनी हुई है या स्वाधीन है। माताओं की सारी दुनिया में क्या हालत है? हैं? अधीन बनी हुई। जगदम्बा होती है द्वापर कलयुग में, द्वापर कलयुग में जगदम्बा का वर्चस्व है, और सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही होता है, भारत की ही धरणी होती है, उसको कहते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार। प्योरिटी की बात है, एक मिनट। हाँ जी, नौ ग्रह है। अरे घर ग्रस्त तो सुना है कि नहीं? सुना है, ग्रह माने घर। तो ये नौ ग्रह हैं, ये भी एक प्रकार के घर ग्रस्त हैं। जैसे नव ग्रह होते हैं वैसे ही ब्राह्मणों की नौ पुरियां होती हैं।
नौ ग्रह होते हैं और नौ कन्याओं का पूजन होता है, नौ देवियां होती हैं। अगर देवियां ना हो तो घरग्रस्त की स्थापना हो जाएगी है? नहीं हो जाएगी। तो देवियां भी हैं तो उनके पीछे कोई देवता भी होंगे, वही अष्ट देव और नौ देव। तो पूरा घरग्रस्त परिवार है और उनको फॉलो करने वाले भी हैं। तो नवग्रह कहा जाता है, कोई कम पावरफुल है कोई ज्यादा पावरफुल है। और मुरली में नहीं आया है, व्यक्तवाणी में आया है, डायरेक्शन है। हाँ हाँ जी, ये तो नहीं कहा संगठित रूप में करो या एकाकी करो, कैसे भी करो, जो जितना करेगा वो उतना पावेगा। कोई बच्चे मातेले होते हैं तो मातेले बच्चों को माता याद आएगी या नहीं आएगी? यहाँ याद करने की बात नहीं है, यहाँ तो आवाहन करने की बात है। आवाहन करना अलग बात और याद करना अलग बात। याद तो हमें सफेद शिव बाबा को करना है और आवाहन शिव की शक्ति को करना है। शिव की शक्तियां नंबर वार हैं और नंबर वार शक्तियों में कोई अव्वल नंबर भी होगी। जो अव्वल नंबर होगी वो अव्वल नंबर पार लगाने वाली पार्वती होगी, इसलिए मुनि ने बोला है तुम सब पार्वतियां हो, सब पार लगाने वाली हो, माने नंबर वार हो। कोई अव्वल नंबर शिव शक्ति भी है, जो अपनी पवित्रता के विरुद्ध को किसी के हवाले नहीं करने वाली। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो उसका आवाहन करना पड़े। प्योरिटी की पावर से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। तो स्वर्ग भी कौन सी पावर से स्थापन होगा? पवित्रता की पावर से ही स्वर्ग स्थापन हो सकता है। ये रुद्रमाला के मन के राजा तो बनने वाले हैं, लेकिन हिस्ट्री में इन राजाओं की दशा क्या हुई? अपवित्र होकर के रहे, सैकड़ों रानियों को रनिवास में रखा, या पवित्र बनकर के रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के रहे, क्या बन के रहे? अपवित्र रहे। तो इनके बस की बात नहीं है स्वर्ग स्थापन करना। ये पवित्रता के लंगड़े हैं, इसलिए कहानी बनी हुई है अंधे और लंगड़े की कहानी। अगर ये विषय वैतरणी नदी पार करनी है तो क्या करना पड़े है? अंधे का सहारा लेना पड़ेगा, वो है अज्ञान की अंधी। ज्ञान नहीं है और रुद्रमाला के मड़के हैं अपवित्रता के लंगड़े। तो लंगड़ों को सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर विषय वैतरणी नदी पार करनी है तो, नहीं तो ये बंदरियों की सेना है,
ये पार लगाएगी नहीं और ही डुबाई देगी। कहा जाता है बंदरों की सेना, बड़े स्त्री चोले हैं तो भी जन्म जन्मांतर के राजा हैं, राजघराने में जन्म लेने वाले हैं, इसलिए पुरुष रूप दिखाया गया है। आजकल आपने बताया जा रहा है कि क्वेश्चन किया जाता है कि बच्चों को आगे पढ़ाना या नहीं पढ़ाना, बताया गया है कि बॉडली पढ़ाई नहीं करना, पढ़ानी है बॉडली पढ़ाई पढ़ानी है, तो बीच में अगर बच्चों की एजुकेशन बंद कर दी जाती है बाबा, तो विदेशों में भी तो सेवा करने के लिए बच्चों को जाना है, तो वहाँ विदेशों में तो अंग्रेजी का वर्चस्व है बाबा, अंग्रेजी फिर ऐसा कैसे संभव होगा? तो अंग्रेजी पढ़ा लो। एजुकेशन चाहिए। अरे अंग्रेजी को ही एजुकेशन कहा जाता है, एजुकेशन में सिर्फ अंग्रेजी आती है क्या? पंगेबाजी का लेना कितना आता है? क्या हिसाब किताब है पढ़ाने की? ध्यान नहीं था मैंने डागली पढ़ाई पढ़ाने का हिसाब किताब है? अब जो जैसा होगा वो वैसा बनावेगा या नहीं बनावेगा? गॉड और गाडेस बनने वाले होंगे, गॉड और गाडेस होंगे तो क्या बनावेंगे? गॉड गॉडेस बनावेंगे। डॉग एंड विचेज होंगे तो है तो वो ही बना लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। बाबा अष्टदेव की प्राप्ति और शिवबाबा से मनुष्य आत्माओं के पास क्या है और देवात्माओं के पास क्या है और राक्षसों के पास क्या है और भगवान के पास क्या है? इसलिए गीता में लिखा हुआ है भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत योनि में जाके जन्म लेते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देवी योनि में जन्म लेते हैं, देवताओं से कुछ न कुछ प्राप्ति करते हैं, और जो मेरी उपासना करने वाले हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। पाना था सो पा लिया, फिर उनको कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। सब कुछ प्राप्त करना है तो भगवान की उपासना करना है, नहीं तो वही हाल हो जाएगा। भक्त हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान राम की पूजा करते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं, नहीं शंकर की पूजा करते हैं और शंकर शिव की पूजा करते हैं। हाँ जी हर महीने में पंच क्यों मान लिया? पहले ज्ञान की और बातें समझ लो, फिर ये पंचक का पचड़ा बाद में देखेंगे। हाँ जी कि जोर से बोलो, ये अलका माता सुने, हमारे दुकान बहरे हो गए।
श्री शिखंडी है, महाभारत में शिखंडी का वो ही अर्थ है जो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी कन्याएं माताएं हैं जो अपने घर को उंगली पर नचाती हैं, खुद नहीं नाचने वाली है, सारे परिवार का राजा बन के बैठती है, वो रुद्रमाला के मणके हैं। क्या कहा? जैसे जगदम्बा, जगदम्बा का पार्ट राजा का है या रानी बनने का है? है कौन सा पार्ट है? राजा बनने का पार्ट है जन्म जन्मांतर का। तो जन्म जन्मांतर का जो राजा बनने का स्वभाव संस्कार वाला है, अगर इस अंतिम जन्म में स्त्री चोला भी धारण करता है तो वो किसी के कंट्रोल में रहेगा या कंट्रोल में चलाएगा? है क्या करेगा? चलाएगा। भगवान भी उतर आए तो भगवान के भी कंट्रोल में रहने वाली जगदम्बा नहीं है। तो समझ लो जगदम्बा की भुजाएं कौन कौन बैठी हुई है। जो जगदम्बा की भुजाएं हैं वो आधा टाइम स्त्री का पार्टी भी बजाती है और आधा टाइम पुरुष का पार्टी भी बजाती है, उसको शिखंडी कहा जाता है। शिखा कहा जाता है चोटी को। बाबा कहते तुम चोटी के ब्राह्मण हो, तुम नीचे गिरते हो तो सारी दुनिया नीचे गिर जाती है। तुम माताएं कन्याएं रुद्रमाला के मण के ऊंची उठती हो तो सारी दुनिया ऊंची उठ जाती है। इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। इसलिए रामायण में लिखा है कि मैं कन्याओं माताओं के लिए आता हूं, धरणी पर जब ज्यादा अत्याचार होते हैं तो धरणी माता का उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। ये धरणी माता सिर्फ भारत को नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है। अरे धरणी में सिर्फ भारतीय है या सभी देश है? सभी देश है, इसलिए उसका नाम जगदम्बा है, सारे जगत की अम्बा। वो जगदम्बा अभी विधर्मी बच्चों के कंट्रोल में आ चुकी है। आज घर घर में माताओं का ये हाल है कि कृष्ण गीता का, गीता माता का भगवान बन के बैठे है। हैं वो गीता माताएं, माता का कंट्रोल होना चाहिए बच्चे के ऊपर, लेकिन वो क्या रहा है घर घर में? वो कृष्ण बच्चे माताओं के ऊपर कंट्रोलर बने बैठे हैं। गीता माता के पति परमेश्वर बन गए। कितना हरास हो गया भारत का। आवाज जो वास्तविक देव थे वो सरेंडर नहीं कहा। सरेंडर आप किसको समझते हैं? कागज पर लिखने वाले को ही सरेंडर कहते हैं, या प्रैक्टिकल में जो सरेंडर हो उसको सरेंडर कहते हैं? प्रैक्टिकल में देखा जाए, सब समझें, इसने अपना सारा तन माने बीवी बाल बच्चे सब ईश्वरीय सेवा में लगाए, सारे मन की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाई है, सारी जिंदगी का कमाया हुआ धन
ईश्वरीय सेवा में लगाया। सारी जिंदगी का मान मर्तबा ईश्वरीय सेवा में लगाया। धन धन धाम सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी, सब इकट्ठा करके ईश्वर में लगाए। उसको कहा जाता है सरेंडर, समर्पित। और सीधी सीधी सी भाषा, सर अंडर। मुरली में भी बोला है, तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर, लो बाबा ले लो, फिर और क्या रह गया। हाँ जी, पांच पांडव कौन से पुत्र बताए? कुंती के पुत्र नहीं थे पांच पांडव। टीवी को ध्यान से देखा करो, है हमारा पंडा कौन है? शिव बाबा। तो पंडा से पैदा हुए पांडव, जैसे ब्रह्मा से पैदा हुए ब्राह्मण, विष्णु से पैदा हुए वैष्णव, शिव से पैदा हुए शैव। एक मात्रा फॉलोअर या बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है, ऐसे ही पंडे के बच्चे पांडव। पंडा का काम होता है रास्ता बताना, वो बड़े से बड़ा पंडा है शिव बाबा, वो हमें रास्ता बताने आया है। कौन सा रास्ता? कि हम कैसे मनुष्य से देवता बने, कैसे घर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने। ये रास्ता बताने का काम पंडे का है, वो मुखिया पंडा है, हम उसके बच्चे पांडव हैं। बाकी पांडवों की माताएं दो थी, तो पंडे का नाम महाभारत में पांडु रखा गया। पांडु के पांच पुत्र थे, उनकी दो पत्नियां थी, एक कुंती और एक मांद्री। कुंती बड़ी रानी थी और माद्री छोटी रानी थी। इन पांच पांडवों से ये भारत के पांच धर्म बने हैं। कौन कौन से? सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धी, इस्लामी और सिख। ये भारतीय धर्म है, भारत में ही पांडव होते हैं, विदेशों में तो विदेशी धर्म पनपते हैं। युधिष्ठिर और युधिष्ठिर की औलाद वो है जो अपने पुरुषार्थी जीवन की आदि से लेकर अंत तक माया के युद्ध में स्थिर होकर के रहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा युद्ध स्थिर, युधिष्ठिर। जैसा काम वैसा नाम पड़ता है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के ऊपर नाम पड़े। इस्लामी की बात कहाँ हो रही है? इस्लामी तो बोला ही नहीं, बौद्ध ही बोला, वो गलत बोल दिया, सुधार लो। ब्रह्मा बाबा बीच में आकर अटैक करके बोल देता है। मुरली में बताया ना, ये ब्रह्मा
इंटरफियर करके बोलता है। और बालक काय बनाए दो, वो परीक्षा लेने काय आए, परीक्षा लेने आए तो उन्हें बालक बनाए दो। तुम्हारी कोई परीक्षा लेने आए तुम भी बालक बनाए देना। बाबा कहते हैं शिव बाबा को अपना बालक बनाए दो, तो शिव बाबा को बालक बनाया बनाया है? है? बनाया तो बस अनसुईया हो गए है। जिस बच्चे की सतयुग में मृत्यु हो जाए वो आत्मा फिर कौन से युग में जन्म लेती है? और स्वर्ग में मरेगा तो कहां जन्म लेगा? स्वर्ग में ही जन्म लेगा। और नरक में मरेगा तो कहां जन्म लेगा? नरक में ही लेगा। सतयुग में मरने वाला कहां जन्म लेगा? सतयुग में ही जन्म लेगा। क्या हम बच्चे सतयुग में भी बाप को याद करेंगे? वहां कौन से बाप को याद करना है? अरे सतयुग में तो सुख मिल गया, सुखी जीवन बन गया, सदगति हो गई, फिर याद करने की क्या दरकार? याद तो तब करते हैं जब दुखी हो जाते हैं। देवताएं किसी को याद नहीं करते, वो सिर्फ अपनी आत्मा को याद करते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, स्वाभिमानी बनकर रहते हैं, उनको किसी की दरकार नहीं। पतंगाए गए का नाक में दम आ गई। भक्ति मार्ग का एक भी अंश रहेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग के कौन कौन से अंश हैं? जैसे बिंदी लगाना, और क्या बाबू? ये बिंदी लगाना, कान में झुमके पहनना, चूड़ियां पहनना, कोई भक्ति मार्ग की बार बार बातें करना, कहना कुछ और करना कुछ। जैसे भक्ति मार्ग में तथनी अलग होती है, करनी अलग होती है, ये सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति मार्ग की कोई एक बात है क्या? ढेर प्रकार की बातें हैं भक्ति मार्ग की। कल्प कल्प ड्रामा रिपीट होता है तो पुरुषार्थ भी उतना ही होगा ना जितना पहले कल्प में हुआ है, वो तो ठीक, लेकिन पूछना क्या चाहते? तो लिखा ही नहीं। पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे हैं तो दोनों को साथ साथ मधुबन संगठन में अटेंड करना है या अलग अलग भी अटेंड कर सकते हैं? हर आत्मा का पुरुषार्थ अलग अलग होता है, कोई के साथ बंध करके होता है क्या?
अलग अलग भी जा सकते हैं। हम ज्ञान में चल रहे हैं तो हमको सबसे ओम शांति करना है या सिर्फ ज्ञान में चलने वालों से ओम शांति करना है? अगर सबसे ओम शांति करना है तो सबको पहले ज्ञान की बात समझाना है कि ओम माने क्या, और वो शांत कैसे होता है, अशांत कब होता है, तो उनकी समझ में आवेगा, फिर उनसे ओम शांति करो। धर्मराज की सजाओं का पाठ कब से शुरू होगा? जब सब कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे और सब का अपना अपना पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, तो जो रहे सहे पाप होंगे उन पापों को खलास करने के लिए, रहे सहे देवान को खलास करने के लिए धर्मराज का पाठ शुरू होगा। बाबा वहां पर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वहां बेइज्जती कैसे होगी? शिव बाबा आते हैं, 70 साल हो गए उन्हें पढ़ाते पढ़ाते, और हम बच्चे उन बातों को नकारते हैं, नहीं मानते हैं और ये उल्टे काम करते हैं, तो शिव बाबा को बेइज्जती अनुभव होती है या नहीं? क्यों नहीं अनुभव होती? शिव बाबा को बेइज्जती फील क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो देवान में है ही नहीं। जिनको देह है, जिनको देहभान है, उनकी बेइज्जती होती है। आत्मा की न इज्जत और न बेइज्जत, आत्मा तो इज्जत और बेइज्जत दोनों से परे हो जाती है। तो इसलिए स्वर्ग में देवताएं आत्मिक स्थिति में होते हैं, इसलिए वहां बेइज्जत होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। मुरली में बोला गोदरेज का ताला लगाया गया है, यह ताला कब लगता है और कब खुलता है? गॉड माने क्या? भगवान। और रेज माने क्या? किरणें। भगवान की कौन सी किरणें हैं? ज्ञान की किरणें हैं। तो भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुनाते हैं, वही गॉड रेज का ताला है। वो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को लग जाता है,
वो ज्ञान की किरणें जो ईश्वरीय ज्ञान से मिलती हैं, माया के वशीभूत होने से गॉडरेज का ताला का काम करती है। वो ताला कब खुलता है? अरे गॉडरेज का ताला होगा तो उसकी चाबी कौन सी कंपनी में मिलेगी? गॉडरेज की चप्पड़ी में जाना पड़े तो भगवान ही आकर के गॉडरेज का ताला खोलता है। वो मुरलियों के महावाक्य, उनका क्लैरिफिकेशन मिलता है और गॉडरेज का ताला खुलता है। लेकिन अगर श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो और ही 100 गुना ताला लग जाता है। बाबा विष्णु का पार्ट कब शुरू होगा और किस आत्मा के द्वारा होगा? वो नए नए आते हैं ज्ञान में तो भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ है? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? वो बता दिया, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। ये मुरली 66 की है, उस हिसाब से 76 में लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं का प्रत्यक्ष तारूपी जन्म हो जाता है। उन आत्माओं को स्वयं भी अपने अंदर ये प्रत्यक्षता हो जाती है कि हमारा क्या पार्ट है, और नंबरवार दूसरी आत्माओं को भी ये अनुभव होने लगता है, बुद्धि में बैठ जाता है कि लक्ष्मी नारायण का पार्ट किसका है। जन्म लेने के बाद पढ़ाई होगी या पहले ही पढ़ाई हो जाती है? बाद में पढ़ाई होती है। जब पढ़ाई पूरी होती है तो फिर राजा ही मिलती है। और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप ही विष्णु है, अर्थात लक्ष्मी के संस्कार जो प्योरिटी के संस्कार हैं और नारायण के संस्कार जो ज्ञान जीतु आत्मा के संस्कार हैं, वो दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं, तभी विष्णु का पाठ प्रत्यक्ष हो जाए। तो ज्ञान की दृष्टि से तीसरे नेत्र से जाना जा सकता है कि नारायण का पाठ किसका है और नारायणी का पाठ किसका है। बाबा आसमान से जो तारा टूटता है, कहते हैं कि किसी महान पुरुष ने शरीर छोड़ा है तभी तारा गिरता है। तो उस तारे को गिरता देखता है जो, वो एक ही सांस में राम राम कहता है। इसका बेहद का मतलब क्या है? आसमान में जो तारे हैं वो किसकी यादगार है?
कैकन सितारों की यादगार है। ये आत्माएं धरती के सितारे हैं, ये धरती के सितारे जब शिव बाबा आते हैं शक्ति पर तो याद की ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ते हैं, ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ते उड़ते कभी माया का ऐसा पांखड़ा लगता है कि वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे दुनिया में कोई शरीर छोड़ते हैं तो अर्थी को ले जाते हैं शमशान घाट में तो क्या कहते हैं, राम 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 सत्य है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में प्रथा बन गई है कि वो आसमान के सितारे टूटते हैं तो तुरंत मुंह से क्या निकलता है, राम राम। बाकी उन सितारों की कोई बात नहीं है, ये तो धरती की सितारों की बात है जो ऊंची स्टेज में चढ़ते चढ़ते अचानक नीचे गिर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं।